इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं गीतांजलि पब्लिक सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल सिविल लाइंस और मैदानी रीवा, जहां करते हैं हम बाल मन और मस्तिष्क का उनकी योग्यता के अनुरूप विकास। प्री नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा बेहतरीन अध्यापकों और ऑडियो विजुअल क्लासरूम के साथ। माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमपी बोर्ड ने 24 अप्रैल को 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया। इस परीक्षा में कुल 5,60,000 छात्र फेल हुए हैं। एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर आई है। मध्य प्रदेश सरकार ने रुक जाना नहीं योजना के तहत फेल होने वाले छात्रों को एक बार और मौका दिया है। स्टूडेंट्स इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सब हम आपको बताएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहें। इस साल एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कुल 5,60,782 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। इनमें 10वीं की कक्षा में 3,58,640 और 12वीं के 2,02,142 छात्र शामिल हैं। ये तो रही फेल हुए विद्यार्थियों की बात, अब जाने क्या है योजना और किन्हें मिलेगा लाभ। ऐसे स्टूडेंट्स जो एमपी बोर्ड एग्जाम में पास नहीं हो पाए हैं, उन्हें रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत दोबारा मौका दिया जाएगा। 12वीं में एक से अधिक और 10वीं में दो से अधिक विषयों में फेल विद्यार्थी एमपी बोर्ड द्वारा ली जाने वाली पूरक या सप्लीमेंट्री परीक्षा दे सकते हैं। अब आवेदन करने की लास्ट डेट भी जान लीजिए। पात्र स्टूडेंट 5 मई तक हर हाल में आवेदन कर दें। छात्र एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से या खुद से निर्धारित शुल्क जमा कर ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। अब बात करते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया पर। एमपी ऑनलाइन एमपी एसओएस की आधिकारिक वेबसाइट जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसके बाद होम पेज पर सर्विस बटन पर क्लिक करें। फिर सर्विसेज में रुक जाना नहीं योजना जून 2024 एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें। अब अपना रोल नंबर और कक्षा का चयन करें। इसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करें। अब आप फेल हुए विषय के अनुसार आवेदन फीस की जानकारी प्राप्त करें और भुगतान करें। आवेदन फॉर्म भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। बस इतनी सी मेहनत और आपका रुक जाना नहीं फॉर्म भरा जाएगा। योजना में आवेदन करते समय जरूरी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, जो 10वीं में फेल हुए हैं तो 10वीं की मार्कशीट, जो 12वीं में फेल हुए हैं 12वीं की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। फॉर्म आपका भरा गया है गुरु, अब एग्जाम की डेट भी जान लेते हैं। रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत परीक्षा का आयोजन 20 मई से किया जाएगा। इससे पूर्व 10 मई से 18 मई तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षण की व्यवस्था रहेगी। परीक्षा में पेपर एमपी बोर्ड के कोर्स के अनुसार ही होंगे। इतना ही नहीं दोस्त, दिसंबर में एक और मौका दिया जाएगा। किसी कारण से यदि स्टूडेंट मई की परीक्षा में पास नहीं होते हैं तो उन्हें दिसंबर 2024 में आयोजित होने वाली परीक्षा में एक और मौका दिया जाएगा। इसी तरह और भी कंटेंट के लिए बने रहें शब्द सांची के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। शुक्रिया।